चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सन 2008 में आने वाली 10 और बड़ी फिल्मों के बारे में। और दोस्तों, वहीं पर बात करेंगे इन सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। और दोस्तों, वहीं पर जानेंगे कि सन 2008 में आने वाली इन 10 टॉप फिल्मों में पहले नंबर पर कौन सी फिल्म थी, 10वें नंबर पर कौन सी फिल्म थी, आखिर किस अभिनेता की मूवियों ने मारी थी बाजी, ये साल किसके नाम। तो सभी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहली फिल्म की। तो फिल्म का नाम था गजनी। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे आमिर खान के साथ, और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 45 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 195 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 200 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी सन 2008 में, फिल्म का नाम था युवराज। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे सलमान खान, अनिल कपूर के साथ कैटरीना कैफ भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 23 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 24 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी सन 2008 में, फिल्म का नाम था जुम्मो। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, इसमें अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 32 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 21 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 22 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप साबित। अगली फिल्म आई थी सन 2008 में, फिल्म का नाम था यूमी और हम। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन के साथ, काजल भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 40 करोड़ रुपए कमाई थी। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 40 ही करोड़ का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप साबित। अगली फिल्म आई थी सन 2008 में, फिल्म का नाम था मुखबिर। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म, इसमें सुनील शेट्टी के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 17 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 21 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन, कॉमेडी, रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी सन 2008 में, फिल्म का नाम था हीरोज। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म, इसमें हमें नजर आए थे सन्नी देओल, अजय देवगन, और इसमें मुख्य किरदार में बॉबी देओल और सलमान खान भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 18 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 25 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने
26 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी सन 2008 में, फिल्म का नाम था रब ने पढ़ा दी जोड़ी। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नजर आए थे शाहरुख खान के साथ, अनुष्का शर्मा भी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 31 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 197 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अगली फिल्म आई थी सन 2008 में, फिल्म का नाम था दोस्ताना। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नज़र आए थे जॉन इब्राहिम, प्रियंका चोपड़ा और अभिषेक बच्चन भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 40 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 37 करोड़ रुपए कमाए थे, सॉरी माफ करना 87 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 100 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी सन 2008 में, फिल्म का नाम था रेस। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नज़र आए थे अनिल कपूर के साथ अक्षय खन्ना और कैटरीना कैफ और सैफ अली खान भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 87 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 103 करोड़ रुपये कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 150 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी। अगली फिल्म आई थी सन 2008 में, फिल्म का नाम था चंपू। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नज़र आए थे बॉबी देओल के साथ और भी एक्टर अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 3,90,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। अगली फिल्म आई थी सन 2008 में, फिल्म का नाम था थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिकेशन। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नज़र आए थे सैफ अली खान और रानी मुखर्जी अहम किरदार में थी। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 23 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर लाइफ टाइम 87 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 87 करोड़ का कलेक्शन किया था। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई। अगली फिल्म आई थी सन 2008 में, फिल्म का नाम था महबूबा। ये मूवी सन 2008 में आई थी। ये फिल्म इसमें हमें नज़र आए थे संजय दत्त के साथ, अजय देवगन भी अहम किरदार में थे। अगर हम बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता चलूं कि इस फिल्म का बजट 22 करोड़ रुपए था। इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर 3,75,00,000 रुपए कमाए थे। वहीं पूरे वर्ल्ड में इस मूवी ने 4 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी। और ये मूवी एक्शन कॉमेडी रोमांस से भरपूर मूवी थी, लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी डिजास्टर साबित
हुई थी। तो दोस्तों ये रही सन 2008 में आने वाली 10 और बड़ी फिल्में। तो इन सभी फिल्मों में से कौन सी मूवी आपके ज़्यादा पसंद है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप हमारे वीडियो को किस जिले कहाँ से